दौलतपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को चोरी के माल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.5 क्विंटल एल्युमिनियम व लोहे का सामान बरामद किया है। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। जानकारी के अनुसार दौलतपुरा थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि परिवादी निवासी जोड़ला पावर हाउस राजा राम ने बुधवार देर शाम को मामला दर्ज करवाया और उसमें बताया कि मेरी अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित धोलिया स्टैंड पर ढलाई की फैक्ट्री है। करीब 1 महीने से फैक्ट्री बंद पड़ी थी। इसी दरमियान अज्ञात चोर फैक्ट्री में घुसे और फैक्ट्री में रखा 2.5 क्विंटल एल्युमिनियम व लोहे का सामान चुरा ले गए, जहां पुलिस मौके पर जाकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां दो युवक माल चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिए। दोनों युवकों के हुली के आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस पर पुलिस को कुछ इनपुट मिले और पुलिस आरोपी निवासी फतेहपुर हाल जोड़ला पावर हाउस हरमाड़ा विष्णु पुत्र ईश्वर सिंह राजपूत और रवि पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी प्लॉट नंबर 2 बी कृष्णा दौलतपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चुराया हुआ माल बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व में भी छोटी मोटी चोरी करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।